नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। तो कोरोना के खिलाफ की जंग में पूरा देश एकजुट हो चुका है, वहीं कुछ लापरवाह इसमें सेंधमारी से भी बाज नहीं आ रहे। इन्हीं में येस बैंक घोटाले वाले वधावन परिवार की बात करेंगे। 1 और 11 में हम आपको बुलेटिन में दिखाएंगे तमाम वो खबरें जो आज आपके लिए जाननी जरूरी है। देशबंदी की आसमान से ली गई अनोखी तस्वीरें आज तक ने खास आपके लिए तैयार की हैं। कई शहरों की ये तस्वीरें हैं जो ड्रोन कैमरा से ली गई हैं और ये तस्वीरें आपको लॉकडाउन की हकीकत दिखाकर चौंका देंगी। साथ ही आपको दिखाएंगे कैसे कोरोना की जंग में देवदूत बने डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, कैसे कार उनके लिए ठिकाना बन गई है, वहीं पर सो रहे हैं, वहीं पर रह रहे हैं। ऐसे डॉक्टर्स को सभी का सलाम। आपको हम कोरोना के कर्मवीरों को सुरों का सलाम भी दिखाएंगे। ये वो हिम्मत वाले हैं जो हमें हौसला देते हैं, ताकत देते हैं। साथ ही ठीक 11:30 बजे आपको दिखाएंगे डबल लॉक का कोरोना पर इफेक्ट। लेकिन सबसे पहले देखिए रफ्तार से 100 खबरें। देश भर में बढ़ रहा है कोरोना के मामले, आज हर्षवर्धन ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बुलाई बैठक। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे मीटिंग, अब तक राज्यों के उठाए गए कदमों की समीक्षा। यूपी में हॉटस्पॉट सीलिंग को लेकर सीएम योगी की समीक्षा बैठक, हालात का लिया जायजा। सीएम योगी ने कहा मजदूरों के खाते में दिए जा रहे हैं पैसे। प्रदेश के 2,34,00,000 किसानों को 2,000 रुपए प्रतिमाह आगामी 3 महीने तक देने की व्यवस्था है। लखनऊ आज सुबह 9:30 बजे संपूर्ण लॉकडाउन, शाम के 6 बजे तक सभी तरह के वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध। आगरा में कोरोना के मरीजों में बड़ा इजाफा, एक दिन में सामने आए 19 नए मामले। राजस्थान में सामने आए 26 नए कोरोना पॉजिटिव, यहां कोरोना के अब तक 489 मरीज। गुजरात में अब तक 241 लोग कोरोना संक्रमित, 17 लोगों की जा चुकी है जान। केरल में 357 लोग अब तक कोरोना से पीड़ित, 2 लोगों की जा चुकी है जान। देश में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 5,865 पर पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में सामने आए 600 से ज्यादा मामले। 199 पर पहुंचा देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा, 504 लोग स्वस्थ। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,364 मरीज, 97 लोगों की हो चुकी है मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 834 मामले, 8 लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली में अब तक कोरोना के 720 मामले सामने आए, 12 लोगों की जा चुकी है जान। डीएचएफएल के प्रमोटर कपिल वाधवान को वीआईपी ट्रीटमेंट के मामले में महाराष्ट्र के प्रधान सचिव पर गिरी गाज, सरकार ने जांच पूरी होने तक छुट्टी पर भेजा। येस बैंक घोटाले से जुड़े वाधवान परिवार के 23 लोग महाबलेश्वर में हिरासत में लिए गए, लॉकडाउन के नियमों का किया उल्लंघन। बुधवार शाम को खंडाला से कार में 23 लोग पहुंचे थे महाबलेश्वर, पुलिस से पूछताछ में लगाया मेडिकल इमरजेंसी का बहाना। वाधवान परिवार के पास था महाराष्ट्र के प्रधान सचिव गृह अमिताभ गुप्ता का लेटर, लेटर में थी महाबलेश्वर जाने की इजाजत। देवेंद्र फडणवीस ने सरकार को घेरा, पूछा किसने दी घूमने की परमिशन, मुख्यमंत्री उद्धव दें जवाब। दिल्ली में कोरोना के हॉटस्पॉट 20 से बढ़कर 25 हुए, सदर बाजार और बंगाली मार्केट सील। हॉटस्पॉट में तेज हुई सैनिटाइजेशन की कवायद, ड्रोन की मदद से किया जा रहा है केमिकल का छिड़काव। शबे बारात के मौके पर जामिया और शाहीन बाग पूरी तरह लॉकडाउन, पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ी। मेडिकल स्टाफ के बाद दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट अस्पताल के 3 मरीज कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली के करोल बाग में जरूरतमंदों को खाना बांटते दिखे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा। दिल्ली के श्री गंगाराम अस्पताल के 2 स्टाफ कोरोना की चपेट में, कुल 114 स्टाफ है क्वारंटीन। दिल्ली के सटे नोएडा में सामने आए कोरोना के 3 नए मामले, 63 पर पहुंचा कुल मरीज का आंकड़ा। सील किए गए नोएडा के हॉटस्पॉट, ड्रोन की मदद से चलाया जा रहा है सैनिटाइजेशन कार्यक्रम। गाजियाबाद और मेरठ में हॉटस्पॉट की ड्रोन से निगरानी कर रही पुलिस, सील इलाकों में भारी सुरक्षा बल की तैनाती। मुजफ्फरनगर में मिले कोरोना के 3 नए मरीज, तबलीगी जमात के कार्यक्रम से लौटे थे वापस। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने उड़ाया प्रधानमंत्री की दिया और थाली वाली अपील का मजाक, कहा बिग बॉस की तरह दिया जाता है टास्क।
बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का ममता सरकार पर आरोप, का कोरोना के आंकड़े छिपा रही है सरकार, राज्य में नहीं हो रहा लॉकडाउन का पालन। मरकज में शामिल हुए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर परिवार समेत क्वारंटीन, जानकारी छिपाने के आरोप में एफआईआर। त्रिपुरा सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना से जान गंवाने वाले मेडिकल स्टाफ के परिवार को सरकार देगी नौकरी, 4 लाख के मुआवजे का भी ऐलान। छत्तीसगढ़ का कोरबा बना कोरोना का हॉटस्पॉट, 7 नए केस सामने आए। शिमला में दाखिल होने वाली गाड़ियों को भी किया जा रहा है सैनिटाइज, हिमाचल में कोरोना के मरीजों की संख्या 21 पहुंची। बेंगलुरु की कंपनी को मिली कोरोना टेस्ट की इजाजत, कंपनी का दावा सिर्फ 1 घंटे में आ जाएगा कोरोना टेस्ट का रिजल्ट। बुलंदशहर में डीएम ने किया आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण, सैनिटाइजेशन में लगे रोबोट बूथ का भी डेमो देखा। गुरुग्राम में कोरोना संक्रमित इटली की महिला की मौत, वेदांता अस्पताल में चल रहा था इलाज। मेवात में महिला स्वास्थ्य कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार, नर्सों ने छोड़ा काम। नोएडा में 51 लोगों का चल रहा इलाज, 12 लोग ठीक होकर घर पहुंचे। सील किए गए नोएडा के हॉटस्पॉट, ड्रोन की मदद से चलाया जा रहा है सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम। वो उनके घर तक पहुंचाएगी प्रशासन, अथॉरिटीज सब मिलके। अतः मेरा अनुरोध यह है कि पैनिक नहीं करनी चाहिए। जितने गाजियाबाद और मेरठ में हॉटस्पॉट की ड्रोन से निगरानी कर रही है पुलिस, सीधे इलाकों में भारी सुरक्षा बल की तैनाती। मुजफ्फरनगर में मिले कोरोना के 3 नए मरीज, तबलीगी जमात के कार्यक्रम से लौट रहे थे वापस। डॉक्टर शत्रुघ्न पंजवानी की मौत के साथ इंदौर में कोरोना से अब तक 23 की मौत, 213 लोगों में कोरोना का संक्रमण। ऑस्ट्रेलिया में रहते डॉक्टर पंजवानी के 3 बेटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पिता की आखिरी यात्रा में हुए शामिल। मुंबई की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी में कोरोना से 3 मौत, अब तक 14 केस पॉजिटिव। बिहार में कोरोना हॉटस्पॉट इलाकों की पहचान, सिवान, बेगूसराय, नवादा में कई इलाके सील। सिवान में 20 लोगों कोरोना का संक्रमण, पूरे इलाके में ड्रोन से रखी जा रही नजर। बिहार के नवादा में तबलीगी जमात में शामिल व्यक्ति में कोरोना का संक्रमण, पूरे परिवार पर रखी जा रही है नजर। दिल्ली की सभी अदालतों समेत हाईकोर्ट ने रद्द की गर्मियों की छुट्टियां, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी रहेगी सुनवाई। पंजाब के अमृतसर में मजदूरों की मदद के लिए आगे आई पुलिस, खाना बनाकर जरूरतमंदों को कराया भोजन। झारखंड में 14 पर पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद, रांची में एक ही परिवार के 6 लोगों में वायरस का संक्रमण। फरीदाबाद में लॉकडाउन के दौरान रफ्तार का कहर, दुकान में घुसी तेज रफ्तार कार। दिल्ली में स्वास्थ्य कर्मियों का विरोध प्रदर्शन, बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर सरकार से नाराजगी। दिल्ली में डीआरडीओ में काम करने वाले साजिद खान ने अपनी 2 लग्जरी कार को बनाया एम्बुलेंस, खुद लोगों को पहुंचा रहे हैं अस्पताल। दिल्ली में गैस एजेंसियों के सप्लायर्स ने की हड़ताल, सैनिटाइजर और मास्क नहीं मिलने की शिकायत। मुंबई के एनएसटीआई स्टेडियम को बनाया गया आइसोलेशन वार्ड, कोरोना मरीजों के लिए किए गए हैं इंतजाम। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर तैयार किया गया सैनिटाइजेशन टनल, प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले हर मुसाफिर को किया जाएगा सैनिटाइज। राजस्थान के अलवर में धारदार हथियार से एक शख्स की हत्या, खेतों में मिली लाश। मथुरा में दिल जाने वाला हादसा, घर में घुसी ट्रैक्टर ट्रॉली, 2 सगे भाइयों की मौत। पंजाब के तरनतारण में 28 साल के शख्स की नशे की ओवरडोज से मौत, पुलिस ने दोस्त के खिलाफ दर्ज किया मामला। बिहार के हाजीपुर में बहू की हत्या कर फरार हुए ससुराल वाले, लॉकडाउन की वजह से पंजाब में फंसा है पति। अजमेर में जरूरतमंदों तक खाना ना पहुंचने को लेकर पार्षदों का हंगामा, डीएम ऑफिस के बाहर पुलिस से बहस। राजस्थान के भरतपुर में हंगामा, क्रिकेट खेल रहे लोगों को भगाने के लिए पहुंची पुलिस पर पथराव। भारी बर्फबारी के बीच केदारनाथ में जारी है ग्लेशियर काटकर रास्ता बनाने का काम, 29 अप्रैल से शुरू होने वाली है यात्रा। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बर्फबारी, बर्फ की मोटी चादर में ढका बद्रीनाथ धाम। मुंबई में फंसे मजदूरों के लिए आगे आए नौसेना के जवान, मुहैया कराए खाने पीने के सामान। आसनसोल में लोगों ने सफाई कर्मियों का किया स्वागत, बताया कोरोना संकट के दौरान देश का रियल हीरो। इंडिया रेटिंग्स ने अप्रैल में फ्यूल की डिमांड में 40% की कमी का लगाया अनुमान, मार्च में 20% घटी फ्यूल की डिमांड। नेडको ने कोरोना के असर से निपटने के लिए 200 अरब डॉलर के राहत पैकेज की मांग की, 6 महीने के लिए एनसीएलटी में सुनवाई की मांग रखी। जल्द आ सकता है 1 लाख करोड़ का एक और राहत पैकेज, एमएसएमईज को मिल सकती है दूसरे राहत पैकेज से मदद। भारत में इस साल सोने की डिमांड में गिरावट के साथ 483 टन रहने का अनुमान, पहले 700 से 800 टन के बीच का था अनुमान।
लॉकडाउन में लोगों के घरों में रहने से डेटा की खपत में 20% का इजाफा, वीडियो स्ट्रीमिंग एप्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा। पीएनबी ने शुरू किया कोरोना के खिलाफ पर्सनल लोन देना, बतौर पर्सनल लोन 3 लाख तक की रकम मिल सकती है। ओयो ने लॉकडाउन के दौरान भारत में छटनी न करने का भरोसा दिया, अस्थायी छुट्टियों पर कर्मचारियों को भेजा। एचडीएफसी बैंक से अब सस्ती दरों पर मिलेगा कर्ज, एमसीएलआर में 20 बेसिस पॉइंट्स की कटौती। कोरोना से निपटने में सरकार की मदद कर रहे हैं कारोबारी, ऐसा गोवा आयरन और आयरन ओर ने गोवा में कोरोना रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपए दिए। 17 राज्यों में जरूरतमंदों को जरूरी सामान बांट रहा आईटीसी, साबुन बिस्किट नूडल्स समेत जूस और हाइजीन प्रोडक्ट्स बांटे। ग्लोबल इकोनॉमी को अगले 2 साल में 5 लाख करोड़ के नुकसान की आशंका, 1930 से भी ज्यादा मंदी के आसार। 2020 में वैश्विक व्यापार में तिहाई गिरावट की आशंका, कोरोना ने बढ़ाया भयंकर मंदी का खतरा। सऊदी अरब के राज परिवार में 150 लोगों में कोरोना की पुष्टि, आईसीयू में भर्ती हुए प्रिंस फैसल। दुनिया में जारी है कोरोना का कोहराम, 89,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 192 देशों में 16 लाख से ज्यादा लोगों में वायरस का संक्रमण। अमेरिका पर कस रहा है कोरोना का शिकंजा, करीब 16,000 लोगों की मौत, 4,32,000 लोगों में वायरस का संक्रमण। जर्मनी के डॉक्टर्स ने किया कोरोना के इलाज होने का दावा, कहा प्लाज्मा की मदद से बढ़ाई जाती है इम्यून सिस्टम। लॉकडाउन के बावजूद नेदरलैंड में नहीं थमरा कोरोना वायरस से मौत का सिलसिला, करीब 2,300 लोगों की मौत, 20,000 से ज्यादा लोगों में संक्रमण। लॉकडाउन के दौरान पेरिस में बालकनी पर गेम खेलते दिखे लोग, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। ट्रंप के वार पर WHO का पलटवार, डायरेक्टर जनरल ने कहा वायरस पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। WHO के हमले से ट्रंप हुए आग बबूला, कहा चीन की तरफदारी बंद करे WHO। अमेरिका में कोरोना से लड़ने के लिए 10 दवाओं का हो रहा है परीक्षण, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया। अस्पताल की आईसीयू से बाहर आए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, तेजी से सुधर रहे हैं हालात। वुहान में लॉकडाउन खुलने के बाद चीन में फिर सताया कोरोना का डर, पिछले 24 घंटे में सामने आए 63 नए मामले। पाकिस्तान में 4,200 लोगों में कोरोना का संक्रमण, अब तक 61 से ज्यादा लोगों की मौत, पंजाब और सिंध में सबसे ज्यादा केस। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ईरान ने IMF से मांगा $5 अरब का कर्ज, अब तक 4,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। बोलिविया के क्वारंटीन सेंटर से भाग रहे हैं लोग, चिली की सीमा में घुसने की कोशिश करते वक्त हुई गिरफ्तारी। कोरोना संकट के बीच ब्राजील में फिएट ने बढ़ाए मदद के हाथ, अपनी फैक्ट्रीज में शुरू किया वेंटिलेटर की मरम्मत का काम। न्यू जर्सी में लोगों ने बढ़ाया स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला, पुलिस और दमकल कर्मियों ने ताली बजाकर दिया सम्मान। न्यूयॉर्क में चर्च को बनाया गया अस्पताल, कोरोना पीड़ित के इलाज के लिए करीब 400 बेड का इंतजाम। जो बाइडेन होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार, रेस से बाहर हुए बर्नी सैंडर्स। एकड़े 11 में कोरोना के ताजे आंकड़े आपको दिखा देते हैं, कुल 6,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, 199 की जान जा चुकी है। ताजे आंकड़ों के मुताबिक 500 से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक होकर घर लौटे भी हैं। लॉकडाउन का आज 17वां दिन, तो हॉटस्पॉट में सीलबंदी का दूसरा दिन। क्या है 4 राज्यों के CM का कहना, सुनिए। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि अब ये जो डॉक्टर्स और नर्सेज आज हमारे लिए काम कर रहे हैं, ये लोग हमारी ज़िंदगी बचा रहे हैं। आज अगर डॉक्टर्स और नर्सेज काम करना बंद कर दें, आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी मुसीबत हम लोगों के सामने खड़ी हो जाएगी। तो एक तो अपनी जान दांव पे लगा रखी है बेचारों ने, और दूसरा जब वो समाज में आते हैं तो उनको पीट थपथपाने की बजाय, उनको शाबाशी देने की बजाय, उनका शुक्रिया अदा करने की बजाय हम उनके साथ इस किस्म की हरकत करते हैं। हमारे समाज को क्या हो गया, हमें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये जो महामारी है, पूरे विश्व की महामारी है। हमारा दायित्व तो अपने प्रदेश का, जैसा हम संभाल रहे हैं, वैसे तो जीवन मृत्यु ये भगवान के हाथ में होता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर नेक्स्ट टू गॉड जिसको कहना चाहिए, भगवान के बाद अगर किसी की बारी आती तो डॉक्टर की आती है। और डॉक्टर एक सेनापति के नाते से इस युद्ध में लड़ाई लड़ रहा है, युद्ध से भी बड़ा ये संकट है।
गोवा फाइट कोविड-19 आज के रिव्यू मीटिंग में हमने एक भी सैंपल बाकी नहीं है, जो कि जितने सारे पेंडिंग्स थे उसे सभी सैंपल्स हमने आज गोवा मेडिकल कॉलेज के पैथोलैब में टेस्ट कर दिए हैं। अभी बाकी जो भी कुछ हमें जो क्वारंटाइन करने के लिए मिलता है उनके आगे टेस्ट होने वाले हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ द मास्क, अवेलेबिलिटी ऑफ द पीपी सूट्स एंड एवरीथिंग इक्विपमेंट जो कोविड के बारे में जाइए उतने सफिशियंट अभी स्टेट में अवेलेबल हैं। अगर ये तबलीगी जमात के लोग अगर हिमाचल प्रदेश में दिल्ली के उस मरकज में आने के बाद प्रवेश नहीं हुए होते तो मैं समझ सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में आज एक्टिव केस एक भी नहीं होता। और अब से कुछ देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कोरोना के हालात पर समीक्षा बैठक की, क्या कुछ कहा उन्होंने सुनिए। सरकार ने तय किया कि लॉकडाउन के कारण या कोरोना महामारी के कारण जिन लोगों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हो रही है उन लोगों को सरकार के स्तर पर कुछ सहयोग किया जा सके, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पहले चरण में निर्माण श्रमिकों को हम लोगों ने धनराशि उपलब्ध कराई, और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर ऐसे बड़ी मात्रा में हम लोगों ने निर्माण श्रमिकों को ये धनराशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की, और अब तक 11 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को एक एक हजार रुपये की राशि उनके अकाउंट में दी जा चुकी है। कि स्वाभाविक रूप से इस समय लॉकडाउन के कारण इन सबका कार्य प्रभावित है, इनको भी भरण पोषण का एक भत्ता दिया जाना चाहिए। 15 लाख से अधिक ऐसे सभी लोगों को भी जो दैनिक अपनी कमाई करते थे आज उनकी कमाई प्रभावित हुई है, उनको भी राशि उपलब्ध करा रहे हैं। मनरेगा की मजदूरी करने वाले प्रदेश के अंदर 88 लाख ऐसे श्रमिक हैं जिनके मानदेय को बढ़ा करके 202 रुपया अप किया गया है। खाद्यान्न प्रदेश के अंदर पहली अप्रैल से बंटना प्रारंभ हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की है, जिसमें प्रदेश के 2,34,00,000 किसानों को 2,000 रुपये प्रतिमाह आगामी 3 महीने तक देने की व्यवस्था है। जनधन अकाउंट में जिन लोगों के अकाउंट खोले गए हैं ऐसी महिला लाभार्थियों को 500 रुपये प्रतिमाह आगामी 3 महीने तक धनराशि देने की व्यवस्था की गई है। इन दिनों हिंदुस्तान संपूर्ण लॉकडाउन और सीलिंग में कैद है, लेकिन कोरोना का वायरस रोके नहीं थम रहा। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 6,412 हो गई है। 199 लोग जान से हाथ धो बैठे हैं। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक कोरोना वायरस का जाल और घना होता जा रहा है। कोरोना के खिलाफ 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की जंग जारी है। देश में कोरोना के एपिसेंटर सील कर दिए गए हैं। लोगों को घरों में रहने की सख्त हिदायत है, क्योंकि इस जानलेवा वायरस का इलाज सिर्फ और सिर्फ एक है कि इसकी चेन तोड़ी जाए। यूपी में बीते 24 घंटे में 51 नए मामले आने के बाद मरीजों की संख्या 410 हो गई है, जिनमें 225 तबलीगी जमात से जुड़े हैं। इनमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिद भी हैं, जिन्होंने लंबे समय तक जमात में शामिल होने की जानकारी छुपाई थी। अब उन्हें परिवार सहित क्वारंटीन किया गया है। यूपी के पीलीभीत से अच्छी खबर आई है, जहां 70 साल की एक महिला कोरोना को मात देकर घर लौट आई है। घर लौटने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। आज अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, और डॉक्टरों ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, उनके बहुत धन्यवाद। अल्लाह ने हमें इलाज करा, अपने घर बैठे हुए हैं, और बेटा भी हमारा आ गया है, और आपका बड़ा बड़ा अल्लाह उसका सुन रहे परवरदिगार का, और आपने बहुत ध्यान दिया सबने बहुत अच्छी तरह से। बिहार का सिवान कोरोना का नया एपिसेंटर बन गया है। यहाँ 20 मरीज मिलने के बाद हड़कंप मचा है। एक ही परिवार में 9 लोग पॉजिटिव आने के बाद इलाके को सील कर
ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। बिहार में कोरोना के मामले बढ़कर 58 हो चुके हैं। गुरुवार को दिल्ली में कोरोना के 51 नए केस आने के बाद मरीजों की संख्या 720 हो गई है, जिनमें 430 मरकज से जुड़े हैं। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने 22 जगहों को सील किया है। मास्क लगाए बगैर घर से बाहर आने वालों की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। ऐसे इलाके आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनमें कंटेनमेंट लागू किया गया है। ये कंटेनमेंट क्या होता है? तो कंटेनमेंट मतलब एक तरह से आप ये मान लो शील्ड कर दिया उस एरिया को, एक तरह से वहां पे ऑपरेशन शील्ड चला दिया। इंदौर में एक डॉक्टर समेत मध्य प्रदेश में कोरोना से अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 410 मरीजों का इलाज चल रहा है। भीलवाड़ा में कोरोना पर काबू पाने के बाद जयपुर में वायरस बेकाबू होता जा रहा है। जयपुर में 168 केस आने के बाद राजस्थान में मरीजों की संख्या बढ़कर 463 हो गई है। उत्तर भारत के बाद अगर तस्वीर दक्षिण भारत की देखें तो तमिलनाडु में कोरोना के मामले 834, तेलंगाना में 471, जबकि केरल में 357 हो चुकी है। कर्नाटक में 197 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। इस बीच ICMR ने पूरे देश में कोरोना की रैंडम टेस्टिंग शुरू की है, जिसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। इनमें करीब 39% मामले ऐसे हैं जिनकी ना तो कोई ट्रैवल हिस्ट्री है और ना ही किसी दूसरे मरीज से संपर्क। यानी कोरोना दिनों दिन और खतरनाक होता जा रहा है। आज तक ब्यूरो। जब कोरोना से डरकर लोग घर में दुबके बैठे हैं, तब हमारे आपके लिए कुछ लोग सड़क पर कोरोना से युद्ध लड़ रहे हैं। इस युद्ध में पुलिस वाले सबसे आगे मोर्चे पर हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ लोगों को जागरूक करने, घरों में दवा और राशन जैसे जरूरी सामान तक पहुंचा रहे हैं। देश ऐसे कोरोना योद्धाओं को सलाम कर रहा है। बुंदेलखंड में फूलों की ये बारिश उन पुलिस वालों पर हो रही है जो जान हथेली पर रखकर कर्तव्य पथ पर डटे हैं। शहर की गलियों में इन दिनों पुलिस यूं ही घूम घूम कर कोरोना से बचाव की अलख जगा रही है। अपने बच्चों को, बुजुर्गों को घर के अंदर रखें, आप लोग रहें, उनका ध्यान रखें। सबको सुरक्षित रखने का यही एक उपाय है कि हम अपने घरों में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैसे तो यूपी का यह इलाका हमेशा ही सूखे की मार से बेजार रहता है, लेकिन पुलिस जिस तरह से लॉकडाउन में लोगों का ख्याल रख रही है, ऐसे में लोग भी पुलिस वालों को देवदूत मानकर फूलों की बारिश कर रहे हैं। मुश्किल की इस घड़ी में लोगों के प्यार से पुलिस का भी हौसला बढ़ता है। मरना नाका मोहल्ले से जब गुजरे हैं यही अनाउंस करते हुए, तो लोगों ने अपने घरों की छत से पुष्पवर्षा किया। बड़ा मतलब हम लोगों का भी इससे मनोबल बढ़ा और हम लोगों को पूरा सहयोग मिल रहा है। और आगे भी हम अपील करेंगे कि जब तक हम लोग इस कोरोना जैसी बीमारी से जो है निजात नहीं पा जाते, तब तक हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और लॉकडाउन का 100% पालन करना है। कोरोना वॉरियर के सम्मान की ये तस्वीरें यूपी के फतेहपुर जिले की हैं। लोगों ने कोरोना के खिलाफ जंग में जी जान से जुटे डॉक्टर, नर्सों और पुलिस वालों पर फूल बरसाए। ये तस्वीरें अमृतसर की हैं, जहां पंजाब पुलिस की महिला जवान फटाफट रोटियां बनाने में जुटी हैं। लॉकडाउन में पंजाब पुलिस बेसहारा लोगों के लिए पहले खाना तैयार करती है और फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गरीबों को खाना बांटती है। ये तस्वीरें देव प्रदेश हिमाचल की हैं, जहां NH5 पर पुलिस देवदूत बनकर लोगों की गाड़ियों को सैनिटाइज करने में जुटी है। शिमला की सड़क से गुजरने वाली हर गाड़ी को अब पुलिस वाले सैनिटाइज कर रहे हैं, ताकि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। बांदा से अजय सिंह, फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव के साथ, शिमला से विकास शर्मा, आज तक। कोरोना से लड़ने में देश के सफाई कर्मी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। मुश्किल हालात में जोखिम उठाकर ये सफाई कर्मी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। ये कोरोना के खिलाफ जंग के महायोद्धा का सम्मान है।
कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जब पूरा देश लॉकडाउन है, शहर शहर सफाई कर्मी जोखिम उठाते हुए अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। उन्हीं सफाई कर्मियों के सम्मान में तमिलनाडु के त्रिवनेल वैली में पुलिस ने यह सम्मान समारोह का आयोजन किया। ये तस्वीर यूपी के सिद्धार्थ नगर की है। डुमरियागंज के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह जिले के अफसरों के साथ सफाई कर्मियों पर फूल बरसा रहे हैं। तस्वीरें बताती हैं कि कोरोना के खिलाफ जंग में जुटे सफाई कर्मियों ने अपने काम से किस तरह अपने प्रति लोगों के देखने के नजरिए को बदल दिया है। पूरे जिले में सबसे साफ सुथरा अगर नगर पंचायत वर्तमान में कोई दिख रहा है, जैसा कि लोगों ने कहा, व्यक्तिगत रूप से अधिकारियों ने भी कहा, तो एक डुमरियागंज नगर पंचायत और अगर दिख रहा है तो हमारे सफाई कर्मचारियों की बदौलत दिख रहा है, इसलिए सम्मान के पात्र हैं। हम लोगों ने तो सिर्फ अंगवस्त्र ही दिया, फूल से ही किया, लेकिन भाव और दिल से जो सम्मान किया जाता वही महत्वपूर्ण है। हैदराबाद में बीजेपी ने सफाई कर्मियों को सम्मानित किया, उन पर फूलों की बारिश की गई। देश भर में बढ़ रहे कोरोना के मामले, आज हर्षवर्धन ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बुलाई बैठक। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे मीटिंग, अब तक राज्यों के उठाए गए कदमों की समीक्षा। यूपी में हॉटस्पॉट सीलिंग को लेकर सीएम योगी की समीक्षा बैठक, हालात का लिया जायजा। सीएम योगी ने कहा मजदूरों के खाते में दिए जा रहे हैं पैसे। आज सुबह लखनऊ में 9:30 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन, शाम के 6 बजे तक सभी तरह के वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध। आगरा में कोरोना के मरीजों में बड़ा इजाफा, एक दिन में सामने आए 19 नए मामले। राजस्थान में सामने आए 26 नए कोरोना मरीज, यहां पर कोरोना के अब तक 489 मरीज। गुजरात में अब तक 308 लोग कोरोना से हुए संक्रमित, 19 लोगों की जा चुकी है जान। केरल में 357 लोग अब तक कोरोना से पीड़ित, 2 लोगों की जा चुकी है जान। हॉटस्पॉट में तेज हुई सैनिटाइजेशन की कवायद, ड्रोन की मदद से भी किया जा रहा है केमिकल का छिड़काव। देश में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, कुल केस का आंकड़ा 6000 के पार, 199 पर पहुंचा। देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा, 504 लोग हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में कोरोना के 1364 मरीज, 97 की हो चुकी है मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 834 मामले, 8 लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली में अब तक कोरोना के 720 मामले, 12 लोगों की जा चुकी है जान। डीएचएफएल के प्रमोटर कपिल वाधवान को वीआईपी ट्रीटमेंट के मामले में महाराष्ट्र के प्रधान सचिव विशेष पर गिरफ्तार, सरकार ने जांच पूरी होने तक छुट्टी पर भेजा। देवेंद्र फडणवीस ने सरकार को घेरा, पूछा किसने दी घूमने की परमिशन, मुख्यमंत्री उद्धव दें जवाब। दिल्ली में कोरोना के हॉटस्पॉट 20 से बढ़कर हुए 25, सदर बाजार और बंगाली मार्केट सील। शबे बारात के मौके पर जामिया और शाहीन बाग पूरी तरह लॉकडाउन, पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ी। दिल्ली के करोल बाग में जरूरतमंदों को खाना बांटते दिखे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा। बोलीविया के क्वारंटीन सेंटर से भाग रहे लोग, चिली की सीमा में घुसने की कोशिश करते वक्त हुई गिरफ्तारी। कोरोना संकट के बीच ब्राजील में फिएट ने बढ़ाए मदद के हाथ, अपनी फैक्ट्री में शुरू किया वेंटिलेटर की मरम्मत का काम। न्यूजर्सी में लोगों ने बढ़ाया स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला, पुलिस और दमकल कर्मियों ने ताली बजाकर किया सम्मान। न्यूयॉर्क में चर्च को बनाया गया अस्पताल, कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए करीब 400 बेड का इंतजाम। जो बिडेन होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार, रेस से बाहर हुए बर्नी सैंडर्स। तो
तो अब बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या डबल लॉक यानी कि एक तरफ सीलबंदी और दूसरी तरफ लॉकडाउन से ही कोरोना के संक्रमण का आंकड़ा कम होगा। दिल्ली और यूपी ने भी आज सीलबंदी का दूसरा दिन। हॉटस्पॉट वाले इलाकों में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं। जरूरी सामान को लेकर लोग परेशान हो तो रहे हैं लेकिन पुलिस की सख्ती कम नहीं हुई है। हर तरफ सन्नाटा, सड़कें सूनी हैं, गलियां खाली हैं, सोसाइटी के गेट बंद हैं, बैरिकेडिंग है। कोरोना हॉटस्पॉट लाके भी सीलबंदी का दूसरा दिन है। राजधानी दिल्ली में पहले 20 हॉटस्पॉट इलाकों को सील किया गया था जो अब बढ़कर 25 हो गए। सदर बाजार और बंगाली मार्केट को बाद में शामिल किया गया। सदर बाजार में पुलिस ने बैरिकेडिंग तो लगा दी लेकिन सुबह सुबह सील इलाकों से कई लोग जरूरी सामान के लिए बाहर निकलते दिखे। सरकार ने लोगों को जरूरी सामान घर में पहुंचाने का भरोसा दिया था लेकिन लोगों की ढेरों शिकायतें हैं। सब्जियों और दूध की गाड़ियां अंदर आ रही है, ठेलों पर लोग लेकर ला रहे हैं और ये सबसे बड़ी बात ये है कि सड़क पर लोगों ने आना बंद नहीं किया। यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर और ये टेम्पो, छोटे टेम्पो ट्रक लगाकर सड़क को तो रोक दिया गया है, लोगों को बाहर नहीं जाने दिया गया है लेकिन ठेलों पर सब्जी फल सामान वगैरह सब अंदर आ रहा है। नए हॉटस्पॉट बंगाली मार्केट में भी जबरदस्त सख्ती है। यहाँ कोई भी घर से बाहर नहीं आ सकता। कल ही यहाँ के सालों पुराने बंगाली स्वीट्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। ये पूरा बंगाली मार्केट का एरिया शुरू हो जाता है, यहाँ से तानसेन मार्ग है, पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है और देख सकते हैं कि सैनिटाइज किया जा रहा है पूरे इलाके को। जब से ये सील किया है, हॉटस्पॉट बनाया गया बंगाली मार्केट को, पूरी बैरिकेडिंग और पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है और बार बार अनाउंसमेंट की जा रही है कि ये हॉटस्पॉट इलाका है बंगाली मार्केट का। पूर्वी दिल्ली के पौश इलाके मयूर विहार के 2 अपार्टमेंट भी सील किए गए हैं। यहाँ भी दिल्ली पुलिस काफी मुस्तैद है, ना कोई अपार्टमेंट के अंदर जा सकता है ना ही कोई बाहर आ सकता है। कोरोना संक्रमण को लेकर तय किए गए पूर्वी दिल्ली के हॉटस्पॉट्स में से एक वर्धमान अपार्टमेंट के सामने हम खड़े हैं और यहाँ ये दूसरा दिन है इस पूरी सोसाइटी के लॉकडाउन का, यानी पूरी सोसाइटी की सीलबंदी का। बाहर बैरिकेड लगे हुए दिख रहे हैं, अभी चूने की रेखा बनाई गई है और ताकि सुरक्षा का और सफाई का ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ स्थिति ऐसी है कि अंदर से कोई बाहर ना आ सके, बाहर से कोई अंदर ना जा सके। पश्चिमी दिल्ली के अशोक नगर में कोरोना के 2 नए मामले मिलने के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया। दोनों एक ही परिवार के हैं। परिवार के 3 लोगों को कोरोना के लक्षण के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था जिनमें 2 संक्रमित निकले। मरकज के मामले सामने आने के बाद दिल्ली अचानक कोरोना एपिसेंटर बन गया है। कोरोना ने तेजी से रफ्तार पकड़ा तो सरकार ने 25 हॉटस्पॉट इलाकों की पहचान कर सख्ती बढ़ा दी। अगर पता चल जाए किसी इलाके के अंदर कोरोना का मरीज है, कोरोना के मरीज हैं, उन एरियाज के अंदर उन एरिया को पूरे को सील करके उसको उसके अंदर ये ऑपरेशन शील्ड एक तरह से लागू किया जाता है। दिल्ली में भी 21 इलाकों में किए हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी स्थिति में दिल्ली में कोरोना फैले, ज्यादा फैले। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राजधानी दिल्ली में अब तक 720 लोग कोरोना संक्रमित हैं, जिनमें 25 ठीक हो गए हैं जबकि 12 लोगों की जान चली गई। दिल्ली से अशोक सिंघल, चिराग गोठी और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली नहीं, देश के कई इलाकों में कोरोना हॉटस्पॉट वाले इलाके पूरी तरह से सील बंद है। श्रीनगर में 14 इलाकों को रेड जोन घोषित किया गया है। यहाँ अब हर किसी को घर में ही रहना होगा। कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर काबू पाने के लिए डबल लॉक का फॉर्मूला दिल्ली के साथ साथ देश के कई इलाकों में अपनाया गया है। यूपी में 15 जिलों के 104 इलाकों में आज सीलबंदी का दूसरा दिन है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के 13 इलाके सील हैं। आज दूसरे दिन
यहाँ के शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 2 में सुबह सुबह पुलिस अपील करती दिखी कि घरों पर रहें, जरूरी सामान उन्हें घर पर ही मिल जाएगा, लेकिन जरूरी सामान के लिए कुछ लोग घरों से बाहर ही आ गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट भी की जा रही है जो लोगों की तरफ से कि सभी को कहा जा रहा है कि घर से बाहर ना निकले। और आप हालत देखिए, यहाँ पर पूरे एरिया को सील किया गया मेरे राइट साइड पर। ये दरअसल यहाँ पर कोविड-19 का पेशेंट मिला था, जिसके बाद इस इलाके को सील किया गया। गाजियाबाद में कुल 13 ऐसी जगह है जहाँ पर तमाम लोगों को जो है वो तमाम इलाकों को सील किया गया। इसके अलावा वहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट की गई है कि वो घरों में रहे, उनके घरों में जरूरी सामान पहुंचेगा। राजधानी लखनऊ में आज भी काफी सख्ती है, हॉटस्पॉट इलाकों में सन्नाटा है, घर बंद है, लोग घरों पर हैं, तो पुलिस की भी बड़ी तैनाती है। बिहार में सीवान कोरोना का एपिसेंटर बन गया है। यहां ओमान से लौटे एक युवक से 23 लोग संक्रमित हो गए। 21 मार्च को लौटे 21 साल के युवक को आइसोलेशन में रहने को कहा गया था, लेकिन उसकी लापरवाही ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। मुंबई में कोरोना के 381 हॉटस्पॉट की पहचान कर उन्हें सील कर दिया गया है। इन इलाकों में किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। सिर्फ बीएमसी की टीमें जरूरी सामान मुहैया करा रही हैं। लेकिन आज तक की रियलिटी चेक में पता चला कि कई जगहों पर सीलिंग का पालन नहीं हो रहा है। बीएमसी का जो नया आदेश आया है उसके अनुसार तो इस जोन के अंदर जो फल और साथ में सब्जियों की जो बिक्री है उसको भी बंद कर दिया गया है, लेकिन ऐसे कई सारे ऐसे कंटेनमेंट जोन है जहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, वहां पर कोई ऑफिशियल्स ठीक तरीके से सामान नहीं पहुंचा पा रहे, जिसके चलते लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा चिंताजनक विषय है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 184 मामले आ चुके हैं। बढ़ते केस को देखते हुए प्रशासन ने अकेले श्रीनगर में 14 रेड जोन की पहचान की है, जिनमें लाल बाजार, ईदगाह और गौरीपोरा इलाके शामिल हैं। कश्मीर में बीएसएफ भी मदद के लिए आगे आई। लॉकडाउन में बेकार हुए मजदूरों को बीएसएफ सहारा दे रही है। यहाँ पर अब कई इलाकों को रेड जोन घोषित किया गया, जहाँ पर आवाजाही पर रोक है, और इन इलाकों में अब प्रशासन की टीमें परिवारों में जाकर वहाँ पर हेल्थ चेकअप करेंगे। साथ ही साथ अब जो यहाँ पर कश्मीर में दूसरे राज्यों के कामगार हैं, उनकी मदद के लिए बीएसएफ भी सामने आई है और इनमें जरूरी साज सामान भी बांटा है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 15 घंटे में कोरोना के मामलों में 547 का इजाफा हुआ है। आज सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के मामले बढ़कर 6,412 तक पहुंच गए हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़कर 199 तक पहुंच गया है, जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 504 है। मुंबई से सौरभ अक्तानिया, लखनऊ से कुमार अभिषेक और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन तोड़ने वालों की खैर नहीं होगी, क्योंकि अब पुलिस आसमान से लापरवाही करने पर नजर गड़ाए हुए है। जैसे ही कोई लॉकडाउन को तोड़ने की कोशिश करेगा, उस पर कार्रवाई निश्चित की जा रही है। कोरोना की जंग में ड्रोन कैमरे कैसे पुलिस कर्मियों की आंख बन गए हैं, जो आसमान से शहर के कोने कोने की तस्वीरों पर नजर रख रहे हैं और ये तस्वीरें लगातार उतार रहे हैं। लॉकडाउन की निगरानी के लिए दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में पुलिस ने ड्रोन उड़ाया, तो जो तस्वीर आसमान से सामने आई उसे देखकर पुलिस वाले हैरान रह गए। जामा मस्जिद के पास बच्चे क्रिकेट खेलते नजर आए, ये लॉकडाउन का सरासर उल्लंघन है। पुलिस वालों के लिए ड्रोन निगरानी के मारक हथियार के रूप में सामने आया है। ड्रोन कैमरे से शहर शहर पुलिस निगरानी कर रही है, ये देखने की कोशिश कर रही है कि कहीं लोग लॉकडाउन की धज्जियां तो नहीं उड़ा रहे। जामा मस्जिद इलाके की रात की इस तस्वीर को देखिए। शबे बारात पर कहीं लोग एक जगह न जुड़ गए हों, इसकी निगरानी के लिए पुलिस रात भर ड्रोन से नजर रखती रही। मास्क लगा के रखें, आप मास्क लगाना जरूरी हो गया है, अगर इसका
पुलिस की ये कवायद कल शाम से ही शुरू हो गई थी। ड्रोन को डिप्लॉय कर दिया है, लाइव स्ट्रीमिंग हम देख रहे हैं और जहां जहां हमारे को दिख रहा है कि कुछ अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा तो उसके लिए अनाउंसमेंट कर रहे हैं। फील्ड में जो हमारा स्टाफ है उसको हम लोग वायरलेस सेट के थ्रू, फोन के थ्रू बता रहे हैं कि इस जगह जाइए या फलानी जगह जाइए, वहां पर कुछ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, वहां जाकर वो लोग एनफोर्स करा रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। लखनऊ शहर में भी ऐसा ही नजारा दिखा। लखनऊ पुलिस हॉटस्पॉट वाले इलाकों की ड्रोन से निगरानी कर रही थी। ये तस्वीर दिल्ली से सटे गाजियाबाद की है। गाजियाबाद के 13 इलाके हॉटस्पॉट घोषित कर सील किए गए हैं। इन इलाकों में जरूरी सेवा से जुड़े लोगों के अलावा किसी की आवाजाही नहीं हो सकती। इस आदेश का पालन हो रहा है या नहीं, इसे देखने के लिए गाजियाबाद के SSP खोड़ा और KDB ग्रांड सबाना सोसाइटी की ड्रोन से जायजा लेते नजर आए। यूपी के शामली के झिंझाना कस्बे की इन तस्वीरों को देखिए। शामली में 11 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद 3 इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित कर सील किया गया है। लॉकडाउन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस के जवान उन इलाकों में मुस्तैद रही ही, साथ ही ड्रोन से भी लगातार हॉटस्पॉट की नजर रखी गई। दिल्ली और यूपी के कई इलाकों को कल हॉटस्पॉट घोषित कर सील किया गया है। हॉटस्पॉट की निगरानी में भी ड्रोन पुलिस के लिए बड़ा हथियार बना हुआ है। लेकिन ड्रोन से सिर्फ निगरानी नहीं हो रही बल्कि सैनिटाइजेशन का काम भी हो रहा है। बिहार के गया में भी ड्रोन कैमरे से कल सैनिटाइजेशन का काम शुरू हुआ। प्राथमिकता के आधार पर कोरोना पॉजिटिव वाले क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया। अगले 15 दिन तक पूरे शहर में ड्रोन के माध्यम से इसी तरह सैनिटाइजेशन का काम होगा। मरीजों की तादाद बढ़ने की वजह लापरवाही भी बताई जा रही है, क्योंकि जमात की लापरवाही तो है ही, लेकिन इसके साथ ही अब हम बात करेंगे एक दूसरी तरह की लापरवाही की। DHFL ग्रुप के प्रमोटर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए 22 लोगों के साथ महाबलेश्वर में पार्टी करने पहुंच गए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुकी है। 300 से ज्यादा इलाके सील हैं, पूरी मुंबई पहरे में है। लेकिन क्या ये पहरा, ये सख्ती सिर्फ आम मुंबईकर के लिए है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महाबलेश्वर में 22 VVIP को हिरासत में लिया गया है। ये सभी वाधवान परिवार के हैं जिनका नाम चर्चित यस बैंक घोटाले से जुड़ा है। लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए वाधवान परिवार मुंबई के खंडाला से महाबलेश्वर पहुंच गया। वाधवान परिवार ने ये मस्ती भरा सफर बुधवार को किया। पंचगनी पुलिस को जैसे ही भीड़ इकट्ठी होने की जानकारी मिली तो जांच के लिए मौके पर पहुंची। सभी के खिलाफ धारा 188 के तहत केस दर्ज कर क्वारंटीन कर दिया गया है। जैसे ही ये खबर मीडिया में आई, सरकार में हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि मामले की जांच का ऐलान कर दिया, उसकी जांच की जाएगी और योग्य को कार्रवाई की जाएगी। इस बयान के चंद घंटे बाद ही एक्शन भी हो गया। अनिल देशमुख ने ट्वीट कर प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्पेशल अमिताभ गुप्ता को तत्काल प्रभाव से छुट्टी पर भेजने का आदेश दे दिया। जांच पूरी होने तक गुप्ता छुट्टी पर रहेंगे। दरअसल महाराष्ट्र के गृह विभाग ने 8 तारीख को जो चिट्ठी जारी की थी उसे गृह विभाग में प्रधान सचिव विशेष अमिताभ गुप्ता ने ही जारी किया था। लेटर में साफ साफ लिखा है कि सरकार उन्हें महाबलेश्वर की यात्रा करने की इजाजत देती है। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर ठाकरे सरकार पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र में शक्तिशाली और अमीरों के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। पुलिस की अनुमति से कोई महाबलेश्वर में छुट्टियां बिता सकता है। ये संभव नहीं है कि कोई वरिष्ठ अफसर ऐसी गलती अपने दम पर अंजाम दे। ये किसके आदेश या आशीर्वाद से हुआ, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जवाब दें। कोरोना के खिलाफ जंग में ऐसी लापरवाही मुंबई को बहुत भारी पड़ रही है। बीते 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 143 केस सामने आए हैं। मुंबई में मरीजों की संख्या बढ़कर 876 हो गई है। राज्य में 97 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। मुंबई में कोरोना के 381 हॉटस्पॉट की पहचान कर उन्हें सील कर दिया गया है। इन इलाकों में किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है।
सिर्फ बीएमसी की टीमें जरूरी सामान मुहैया करा रही है। भले ये जरा सी बात है, लेकिन मुंबई को ऐसी लापरवाही की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सौरभ वक्तानिया के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। पुलिस वालों के लिए कोरोना के खिलाफ जंग आसान नहीं है। लॉकडाउन तोड़कर घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ कभी सख्ती भी नहीं करनी पड़ती है तो कभी गांधीगिरी का भी सहारा लेना पड़ता है। आरती गाई जा रही है, घंटियां भी बज रही हैं, लेकिन जिनके सामने ये सब हो रहा है वो भगवान नहीं है बल्कि लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा लांघने वाले लोग हैं। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के बैतूल की है। बैतूल की पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों को सबक सिखाने के लिए गांधीगिरी का अनोखा तरीका निकाल लिया। लॉकडाउन तोड़ने वालों को शर्मिंदा करने के लिए पुलिस सरेआम उनकी आरती उतार रही है। आरती के बाद लोगों को गुलाब का फूल देकर विदा किया जा रहा है, इस उम्मीद के साथ कि इन लोगों को थोड़ी शर्म आई होगी और वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। हालांकि बैतूल पुलिस के इस अनूठे तरीके पर सवाल भी उठ सकते हैं। पुलिस वाले लोगों को टीके भी लगा रहे हैं, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर ये ठीक नहीं है। कुछ लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं, तो हमने सोचा आज क्यों ना कुछ नए तरीके से कुछ प्रयोग करें तो लोग लॉकडाउन का पालन करें। इसी तारतम में आज हमने उनकी आरती की, घंटी बजाकर उनकी फूल से स्वागत किया ताकि लोग कैसे भी शर्मिंदा हों और लॉकडाउन का पालन करें। बस हम लोगों को बस एक ही उद्देश्य है कि लोग अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें और जो कोरोना नामक बीमारी है उससे लड़ने में शासन प्रशासन का सहयोग करें। गांधीगिरी के अलावा पुलिस के जवान कहीं कहीं सख्ती भी दिखा रहे हैं। ये लोग लॉकडाउन तोड़ते धरे गए तो पुलिस ने बीच सड़क पर उठक बैठक करवा दी। कोरोना वायरस एक दूसरे के संपर्क से फैलता है, इसलिए इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए देशबंदी की गई है। ऐसे में हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि वे जाने अनजाने में खुद को कोरोना का वाहक न बना ले। राजेश भाटिया, बैतूल आज तक। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।